नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। और आज हम पप्पू चाय की दुकान पर हैं, जो बहुत मशहूर है। राजनीतिक गलियारे की यहाँ बड़ी चर्चाएं होती हैं और ये अचानक सुर्खियों में तो रहा है। अक्सर चुनाव में यहाँ पे डिबेट होती है, लोग बातचीत करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रुके, उन्होंने रोड शो के बीच में चाय पिया यहाँ पे और बगल की दुकान से पान खाया, तो ये अचानक से और सुर्खियों में आ गया है। और तमाम लोग यहाँ मीडिया के पहुँच रहे हैं, तो हम भी आए हैं और हम आपसे ही देख रहे हैं। आपका नाम भाई साहब, आप ही हैं पप्पू चाय वाले? जी, मैं उनके लड़के हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के बीच में अचानक आपके बीच में रुके, क्या आपको कोई जानकारी थी पहले से? जी नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं थी। क्या कहा उन्होंने आने के बाद? बस आया, उन्होंने चाय पिया, लोगों से मिला, बस बातचीत की, उसके बाद चले गए। धन्यवाद कहा आपके चाय का? दिया आशीर्वाद दिया हम लोगों को, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि प्रधानमंत्री आए। अंदर कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये अक्सर यहाँ पे चर्चा होती रहती है। मैं उन्हीं लोगों के बीच में हैं, उन्हीं लोगों से बात कर लेंगे। और महेश भाई, क्या हाल है? चलिए ठीक है। तो सर, आप लोगों से मैं बात करूँगा, अक्सर आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चाय पिए थे, अक्सर आप लोग पीते हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री आए तो? नहीं, अच्छा लगा। हम लोग संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं यहाँ का, और मोदी जी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहते हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। और हम लोग एक गार्जियन है, गार्जियन के रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं। जब भी यहाँ की जनता उनको पुकार करती है, वो यहाँ मौजूद रहते हैं। आप बताएं सर, आप प्रधानमंत्री आए उसको किस रूप में देखते हैं? उनको क्या बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी यहाँ पे आएंगे, चाय पियेंगे। मेरी उम्र 55 साल हो गए, मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पर आएंगे चाय। हम तो 30 साल से यहाँ आकर चाय पी रहे हैं। आपको ऐसे उम्मीद नहीं था? आप कुछ कहेंगे आप सर? आप बताएं। स्थान है सर जहाँ प्रधानमंत्री जी बैठे थे, और हमारे जो है ये फोटो जो है, और आप समझिए कि बहुत जो है सौभाग्य की बात है कि जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, कुछ नया देखे जरूर करते हैं। और इस बार इस दुकान पे आए, यहाँ के लोगों में जो उत्साह है, उनको देख करके मिल करके, वो जो है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जो इसी जगह पे बैठे थे? हाँ जी जी, बिल्कुल इसी जगह बैठे थे। और हमको तो ये कल्पना करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरु जी आए, यहाँ बैठे, उनकी जगह बैठे, यही सोच के अच्छा लग रहा है। तब से बैठे आपके गुरु जी, मतलब हमको गुरु जी बोलते हैं। किसको? प्रधानमंत्री जी? जी गुरु जी बोलते हैं, ये हमारा प्रेम है, ये हमारा प्रेम जी। आप क्या करते हैं सर जी? क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी में है। गुरु बोलते हैं, आप कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री आए थे? बहुत अच्छा ये लगा कि अभी तक तो हम इस अड़ी को ये समझते थे कि ये बनारस की अड़ी है, पर कल हम लोगों को लगा कि नहीं, ये देश की अड़ी हो गई। इसकी चर्चा दिल्ली तक है, तभी तो प्रधानमंत्री रुके। वही तो, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमको अब लगा कि हम लोग देश की अड़ी में बैठते हैं। हमारे एक पुराने साथी हैं महेश भाई, मुंबई में हमारे साथ एक चैनल में नौकरी कर चुके हैं, और आप राजस्थान से आए ना? बिल्कुल सही, आप संपादक भी हैं अपने चैनल के। क्या महेश भाई, आप इस जगह पे बैठे हैं, बहुत राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, BHU के बड़े प्रबुद्ध लोग आते हैं, कोई पक्ष का होता है, कोई विपक्ष का होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इस दुकान पे आ गए, इसलिए हमको लगता है आप भी घूमते हुए आए होंगे कुछ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, माहौल जो है, जो आप कह रहे हैं कि लगभग माहौल वैसा ही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत हैं, क्योंकि 5 साल सरकार रही है, तो स्वाभाविक सवाल भी सरकार से ही हैं। तो PM मोदी यहाँ पर आए तो ये अपने आप एक ब्रांड बन गया है, हर चैनल वाला, हर अखबार वाला, हर हमारे और आपके तरह जो एक स्वतंत्र अपना चैनल चला रहा है, वो लोग आ रहे हैं, और पप्पू की अड़ी ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये अपने आप में आज ये मुझे लग रहा है कि दुनिया में ये ट्रेंड कर रहा है। PM मोदी अगर यहाँ पर आते हैं तो मुझे लगता है कि छोटी सी कुटिया को एक महल बन गया है, तो ये बहुत बड़ी ये सादगी है इनकी, ये इन लोगों की सादगी है। लेकिन सादगी के साथ साथ सरकार से सवाल पूछने चाहिए, जो मैं और आप पूछते ही हैं, क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं। क्योंकि अगर योगी रिपीट करते हैं तो, या सपा इस पे अगर आती है तो सवाल सब पे बनते हैं, लेकिन माहौल जो लग रहा है कि दो पार्टियों के अंदर एक बड़ी टक्कर है सपा और भाजपा में। आप राजस्थान से आए हैं, आप उस राज्य के नजरिए से बताइए कि क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, समीकरण क्या लग रहा है? समीकरण मैंने आपको बताया कि BJP की जो जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है, और सपा भी टक्कर में है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इन 5 सालों में मुद्दे बहुत थे। इन मुद्दों को लेकर हम एक तरफा नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग, आप और मैं, तो जमीनी सच्चाइयों से वास्ता करके फिर रिपोर्टिंग करते हैं। राजस्थान की नज़र में UP के अंदर मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि BJP रिपीट कर जाए,
बीजेपी रिपीट करती है तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कभी बीजेपी दो बार रिपीट नहीं करी है। बहुत अच्छी बात बताई महेश भाई ने, आप राजस्थान से पत्रकार हैं सर, आप प्रधानमंत्री मोदी आए थे, क्या इसीलिए तो नहीं आ गए अभी? नहीं, हम वहीं बैठे हुए थे उनके बगल में ही। आप उन्हीं के बगल में बैठे थे? आपका परिचय भाई साहब? मैं विश्वनाथ सिंह पप्पू जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ अशोक सिंह। क्या बात है। तो अक्सर आपकी चाय की जो अड़ी है ये तो हमें लगता है दिल्ली तक चर्चा में है, तभी तो प्रधानमंत्री के मन में आई यही चाय की दुकान चुनी। दिल्ली तक चर्चा में है, 2019 में ट्रामा सेंटर के उद्घाटन के समय में उन्होंने वादा किया था कि आपके दुकान पर हम चाय पियेंगे। कल उस वादा को उन्होंने पूरा कर दिया चाय पी करके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वादा निभा दिया उन्होंने जो है कि चाय पी करके जो है मतलब प्रधानमंत्री वादा निभाते हैं, वादा निभा देश के साथ वादा निभा रहे हैं। कोई ऐसा बता दिए कि जो वादा न निभाए हो। 2014 में यहाँ वादा किए थे कि आएंगे आपके यहाँ चाय पियेंगे, और आज 2022 में आए। जिस आदमी को 7 साल का वादा जो है याद हो, उसको देश के बारे में चिंता नहीं हो सकती, आप बताइए। चलिए बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर प्रधानमंत्री 2014 में वादा किए थे भाई साहब से, पप्पू जो चाय वाले उनके आप बड़े पुत्र हैं, तो उन्होंने उस वादा को पूरा किया। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।